अभिनंदन है गणतन, अभिनंदन है गणतन, अभिनंदन है गणतन, अभिनंदन है गणतन। रहे सलामत तू भारत में विफल रहे षड्यंत्र, अभिनंदन है गणतन, अभिनंदन है गणतन, अभिनंदन है गणतन, अभिनंदन है गणतन। जन जन मन को मान मिले, एक सही पहचान मिले, दमन न हो अभिव्यक्ति का, सबको ही सम्मान मिले, मुक्त गगन में हो विचरण बने यही एक मन, मुक्त गगन में हो विचरण बने यही एक मन। अभिनंदन है गणतन, अभिनंदन है गणतन। नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन गणतंत्र सीजन 2 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आपकी होस्ट नायडा कुरैसी लेकर आई हूँ आपके लिए समाज के आपके एक बार फिर। सबसे पहले 70वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को छत्तीसगढ़ डाइजेस्टिव परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर अंतिम को छाया नहीं फल लागे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर के पंथ पर चलने वाले सुप्रसिद्ध पद्मश्री भारती बंधु जी, जो कि छत्तीसगढ़ से और उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा। आइए सुनते हैं अभिनंदन गणतंत्र पर उनके विचारों का मंथन, उनके साथ उनकी सुपर। मर्म न जाना को कि मर्म न जाना को। नमस्कार साहेब, बंदगी साहेब। अभिनंदन गणतंत्र की इस प्रयास पर मैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर भारती बंधु गणतंत्र का अभिनंदन करता हूं। भारत के इस महान तंत्र को नमस्कार करता हूं और अपने विचार इस तरह से प्रारंभ कर रहा हूं। सिर्फ हम गणतंत्र के झंडा लेकर के घूमने के लिए नहीं है। वास्तविक गणतंत्र तब होगा जब हर व्यक्ति, हर समाज का, हर वर्ग का हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र, अपने आप को कमतर ना आके अपने आप को बहुत उच्च स्थान पर जाने की उसकी सीढ़ियां तय होना शुरू हो जाए, तब हम मानेंगे कि हम गणतंत्र की उस परंपरा के संवाहक बनने जा रहे हैं। चाहे हमारा रायपुर हो, चाहे हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ हो, चाहे हमारा भारत दिल्ली हो, बहुत हो चुका कत्लोकारत, बहुत हो चुका खून खराबा, बहुत हो चुका कमतर आंकने की चीज, ऊंच नीच की चीजें। आज हम इंसानियत की बात करनी है, आज मोहब्बत की बात करनी है, आज प्यार की बात करनी है। हम कलाकार हैं, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, हम तोड़ने की बात नहीं करते हैं। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम एहतियात की बात नहीं करते हैं, विरोध की बात नहीं करते हैं, घृणा की बात नहीं करते हैं, हिंसा की बात नहीं करते हैं। हम राजनीतिज्ञों से भी यही प्रार्थना करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि एक ऐसा स्वच्छ राजनीति भारत में स्थापित की जाए जिसमें
हर शख्स कहे कि हमारा मंत्री बहुत अच्छा है, हमारा विधायक बहुत अच्छा है, हमारा सांसद बहुत अच्छा है, 2 बजे रात को भी अगर हम जाएं, हमारी जरूरत हो तो वो हमको एक नॉक में ही हमारी समस्या को सुनने के लिए उपस्थित रहे, हमारा अधिकारी वर्ग ऐसा रहे, हमारे समाज का हर व्यक्ति एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, तब गणतंत्र सफल हो रहा है कहा जा सकता है। आज मैं अपने प्रदेश की बात कर रहा हूं। मैं पिछली सरकार में शायद किसी कारण से वो बात नहीं हो पाई थी जो मैं इस सरकार से बहुत उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस सरकार में बहुत अनुभवी लोग हैं। 18 साल हमारे राज्य को बने हुए, 18 साल में कम से कम 18 से 20 कलाकार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो पाया। मैं माननीय ताम्रध्वज साहू जो हमारे वर्तमान के संस्कृति मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी हैं, प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास जी महंत हैं, ये सारे के सारे बड़े सुलझे हुए लोग हैं। जितने मंत्रिमंडल में लोग हैं ये बहुत अनुभवी लोग हैं। मैं इनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि एक छत्तीसगढ़ को एक इस तरह का दिशा दी जाए, इस तरह का एक मॉडल दिया जाए कि दुनिया में छत्तीसगढ़ बहुत ही प्रशंसनीय हो और सांस्कृतिक धरोहर को आगे पहुंचाने के लिए, राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने के लिए मेरे अनुभव के लाभ अगर उठाना चाहें तो मैं हर समय मौजूद हूं। मैं मेरे अनुभवों का लाभ सरकार को देने के लिए मैं मौजूद हूं। मैं चाहता हूं कि इस परंपरा को जो हमारे छत्तीसगढ़ विराट सांस्कृतिक अनुष्ठान से भरा हुआ है प्रचुर मात्रा में, ये पूरे देश दुनिया में इसकी वानगी पूरे लोगों में जाए, जिस तरह से तीजन बाई ने पूरे देश दुनिया में, भारत में और भारत से बाहर भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, वही काम आज भारती बंधु कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि भारती बंधु के अनुभवों के आधार पर हमारी सरकार हमारी मदद करे, हमारे अनुभव को प्राप्त करे, हमारे प्रोजेक्ट को समझें और यहाँ के कलाकारों को बहुत दूर तक पहुँचाए। ये रहे कलाकार सांस्कृतिक धरोहर की बात हुई, हमारी सामाजिक गतिविधियाँ भी इस तरह की होनी चाहिए कि अन्य राज्यों में जिस तरह से दलित के साथ में अन्याय हो रहा है, लोगों में असमानताएं हो रही है, मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हूँ और छत्तीसगढ़ में ना ही दलित वाला कोई मसला है, ना उच्च वर्ग वाला कोई मसला है, ना हिंदू मुस्लिम वाला मसला है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा छत्तीसगढ़ इसी तरह से गुले गुलजार रहे, इसी तरह से मोहब्बत और अखलाक की ये बगीचा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहे। और हमारे प्रदेश के जितने राजनेता हैं उनसे भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हो चुका कत्लोगारत, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, अब सिर्फ मोहब्बत की बात होनी चाहिए, प्रेम की बात होनी चाहिए। आपको बताती हूँ, बड़ी खुशी होती है कि भक्तिकाल के एक बहुत बड़े संत सदगुरु कबीर साहब, पैदा तो काशी में उनका अवतरण हुआ लेकिन पूरे भारत में कबीरपंथी बाहुल्य अगर कोई प्रदेश है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो ऑफिस का क्लर्क हो, चाहे किसी स्कूल कॉलेज का शिक्षक हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हमारे प्रदेश का विधानसभा का अध्यक्ष हो, सारे के सारे कबीरपंथी हैं। जो कबीर के विचार रखता है अपने जीवन में, अनुभव में रखता है, वो कबीरपंथी है। जो कबीर ने जो रास्ता बताया है वो कबीर पंथ है, और जो उस रास्ते पर चलता है वो कबीरपंथी है। हमारा पूरा प्रदेश कबीर से लबरेज है, कबीर के मोहब्बत से लबरेज है, कबीर के सद्भावना से लबरेज है। मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ राजनेताओं से कि ये एकता सद्भावना की ये कड़ी कभी न टूटे, किसी भी लोगों की साजिश हमारे छत्तीसगढ़ में ना आए। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरी भारत में ये समानता है, भारत में और भारत से बाहर भी
जो मानव मूल्य जिस तरह से पतित हो रहा है, इंसानियत जो जिस तरह से गिर रहा है, ये ह्यूमन वैल्यू जिस तरह से डाउन हो रहा है, ये वैल्यू को बनाने के लिए हम लोग सजग हैं, हम लोग तैयार हैं। और पूरी दुनिया जो जल रही है उस परिस्थिति में केवल कबीर की एक वाणी ऐसी है जो सद्भावना, शांति और मानव मूल्यों के उत्थान के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए एकमात्र साधन यही है। अब आपको मैं मोहब्बत पर एक साखी सुनाता हूं कबीर साहब की। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो के प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विश्वमृत हो, के सब विश्वमृत हो। पुनः एक बार अभिनंदन गणतंत्र को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित। तो देश के हालातों पर ये तो थे भारती बंधु जी के अपने विचार। अगले हफ्ते हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे और भी अनेक तरह के विचारों का मंथन आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।